नमस्कार दोस्तों, शिवम गोपालगंज ब्लॉग चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज के मेन स्टूडियो में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पे अभी पूरा ग्राउंड खाली है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को मेन स्टूडियो में झंडा तोलन किया जाता है और DM साहब आते हैं। तो दोस्तों इस बार आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि हर साल झांकियां निकलती है 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन, बट इस साल शायद से कोरोना की वजह से पूरा ग्राउंड अभी खाली पड़ा हुआ है और यहां पर अभी आप देख सकते हैं झंडा तोलन भी हो गया है। मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाला हूं। DM साहब आए हुए थे और झंडा तोलन की और उसके बाद से चले गए, मतलब उसके बाद से पूरा अभी देख सकते हैं ग्राउंड पूरा खाली है। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर मैं आप सभी को यही दिखाने वाला हूँ कि गोपालगंज की मेन स्टूडियो में झंडा तोलन इस बार कैसे किया गया, कितना क्राउड था स्टेडियम में, सारा कुछ आप लोग इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ स्टेडियम के पास और उधर अभी पूरा परेड और पूरा स्टेडियम आप देख सकते हैं और वहाँ पे मतलब साइड साइड से दोस्तों यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।